मान जाते हैं और जैसे जाते हैं तो वो पत्र दे दिया भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा है तो उसमें लिखा है इधर मेरे भैया जैसे पत्र लिखा तो क्या हुआ है। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी कहिए तब कहाँ से आए हो। हम बड़ी दूर से आए हैं और इसमें तो ये लिखा है क्या लिखा है शिशुपाल बजाज लेकर के आ गया है। ऐसा पंडित जी बोलो बोलो यार रुकमणी से कह देना कि शिशुपाल के साथ में चली जाए मैं तो नहीं जा सकता। शिशुपाल खोदी लेकर के आया है और मैं अकेला चला जाऊं हमारी हड्डी बसरी ये करते हमको नहीं मारना चाहते। कैसे यदवंशी हो तुम क्या कैसे आई हो कैसे आई हो ऐसा ज्यादा बातें मत करो। तो शिष्यपाल से तुम डर गए। अरे शिष्यपाल से नहीं डर पड़िया मैं अपने भैया बलराम से डर ब्राह्मण और पंडित जी के नाम। अरे बोलो बोलो दिल कर तो बटे तो फिर कहते मेरी कैसे यदवंशी हो। अरे मैं अपने भैया से डर रहा हूँ उस शिशुपाल से नहीं डर रहा हूँ। ऐसे शिशुपाल तो मैंने बहुत आते मेरे यहाँ पर ठीक है। तू जा रहा जैसे लाए तैसे ले आवा जैसे नहीं तो वो बन जाएगी जय भाई ले ही। देखो पंडित जी बोलो बोलो एक काम करना पड़ेगा तुम्हें तो कदम आगे चलियो और आगे चल के इतना खांसियो इतना खांसियो तो मैं अपने भैया बलराम से आज्ञा ले लूंगा और फिर तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे तब चले जाएंगे। बिल्कुल लंबी लंबी सांस लियो सच्ची सच्ची बच्ची और तब जाकर आगे पूछो भैया कन्हैया देख जा तो रहा है वो लेकिन जल्दी लौट के आना कई बार देर मटर लगा लेना ठीक है जल्दी जाना और जल्दी आना ठीक है भैया पंडित जी चले। इधर हम तो रथ सजा लिया है और पंडित जी महाराज को रथ में बैठा रहा और भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण कैसे जा रहे भैया Thank you.
हेलो मेरे सभी माता बहनों से और नौजवान भाइयों से मेरे सभी से ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाई किसी कारणवश